नाराज निवेशकों ने सहारा कंपनी के गेट पर लगाया ताला। कंपनी पर करोड़ों रुपए नहीं देने का लगाया आरोप। राशि नहीं मिलने से नाराज थे। प्रदर्शन से पहले जनसुनवाई में पहुंचे थे निवेशक। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन देने के बाद प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और कंपनी के गेट पर लगा दिया ताला। नाराज निवेशकों के आने की जानकारी मिलते ही पहले ही भाग चुके थे कंपनी के कर्मचारी। विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सहारा के निवेशक भी काफ़ी संख्या में पहुंचे और अपनी राशि लौटाने की गुहार लगाई। अपनी समस्या कलेक्टर को सुनाने के बाद सारे निवेशक सिविल लाइन रोड स्थित सहारा के कार्यालय पर पहुंच गए। नाराज निवेशकों के आने की सूचना मिलते ही कंपनी के कर्मचारी गेट पर ताला लगाकर भाग चुके थे। इस बात से नाराज निवेशक पहुंचे और नारेबाजी की और अपना ताला भी गेट पर लगा दिया। भारत सरकार और सहारा सेवी, इन तीनों की आपसी मतभेदों के चलते देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा सहारा में उलझा हुआ है। लोग बेहाल हैं, पैसे की आर्थिक तंगी के कारण कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं और कई अभिकर्ता भी आत्महत्या कर चुके हैं। शीघ्र अति शीघ्र अगर शासन ये पैसा वापस नहीं कराता है तो सहारा स्टेट की भूमि पर अब कब्जा करने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारे पैसे वसूल हों। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक सहारा की ज़मीन पर कब्जा अभिकर्ताओं और निवेशकों का रहेगा। जैन है और आज मेरे हम सब सहारा में हमारा पैसा जमा है, निवेशक हैं और मेरे साथ में आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं सबका पैसा यहाँ पर सहारा में जमा है। सहारा ने सन 2013 के बाद से लोगों के पेमेंट जो भी निवेश राशि की थी अभी तक वापस नहीं किए और आगे हम जब भी सहारा में आते हैं तो हमें कुछ टाइम 15 दिन महीने 2-4 महीने का टाइम दे के भरका देते हैं। सहारा के साथ साथ में जितनी सहारा दोषी है इसके इतना ही हम उसके लिए सरकार को भी दोषी मानना है, क्योंकि सरकार की कई नीतियों के कारण ही हम लोगों का पैसा मिल नहीं पा रहा। सेवी और सहारा में टकराव चल रहा है जिसकी वजह से देश के करोड़ों उपभोक्ता परेशान हैं, जमाकर्ता परेशान हैं और हर आदमी परेशान है जिन्होंने 10-10 रुपये अपने इकट्ठे किए और सहारा में अपने डेली के पैसे जमा किए। आज उनके पैसे उनको उपयोग में नहीं आ पा रहा है। किसी के घर में कोई बीमार है, बिटिया की शादी है, मतलब हर घर में कोई ना कोई समस्या है। कोरोना की वजह से सबकी हालत ख़राब है, दवाई नहीं ले पा रहे भैया। उसके बावजूद भी सहारा में हमारा पैसा हमें वापस नहीं मिल पा रहा। 2,00,000 जमा है हमारा। आज हमने सर्वप्रथम कलेक्टर महोदय से मिले और प्रधानमंत्री महोदय के नाम हमने ज्ञापन कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पर दिया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और मध्य प्रदेश के CM मुख्यमंत्री महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है और उनसे कलेक्टर महोदय ने हमसे अभी 2 महीने का कहा है कि 2 महीने में हमें इसका कुछ निराकरण करते हैं। अगर 2 महीने में कोई निराकरण नहीं हुआ तो आगामी ये हम जो आंदोलन चला रहे हैं ये क्रमबद्ध आंदोलन है और अगले चरण में हो सकता है कि सभी लोग एकत्रित होकर सहारा की जो सहारा स्टेट है उस पर अतिक्रमण करके अपना कब्जा जमा लेंगे। बैंक में हमने यहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर तालाबंदी कर दी, ताला डाला है सहारा का।